जितने अच्छे से मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, देर इज रफली 69% चांस कि यू गाइज डोंट वॉच ISL। एंड हमारी नेशनल टीम की करंट परफॉर्मेंस के आशीर्वाद से देर इज अ वेरी बिग चांस कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि यू शुड वॉच ISL तो तुम बट आई थिंक ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि इंडियन क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा लेवल वर्थ योर टाइम, इज इंडियन सुपर लीग वर्थ वॉचिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो के लिए मैंने जितनी भी रिसर्च करी है या फिर इस सीजन मैंने जितना भी ISL फॉलो करा है, इट माइट जस्ट बी, एंड ट्रस्ट मी आई मीन इट, लाइक कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इंडियन सुपर लीग का ये वाला सीजन माइट जस्ट बी द बेस्ट सीजन ऑफ ISL सो फार। आई मीन इट टेक्निकली हैज एवरीथिंग जो कि एक फुटबॉल फैन को चाहिए होता है, बैंगर्स, कमबैक्स, मोर बैंगर्स, राइवलरीज, मोर एंड मोर कमबैक्स, इंटरेस्टिंग टाइटल रेस, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फुटबॉल के अंदर जिससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बैंगर्स। ये वाला ISL सीजन वैसे तो अपनी शुरुआत से ही काफी ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये इस कॉम्पिटिशन का 10th एडिशन है, फर्स्ट एडिशन जिसके अंदर 12 टीमें खेल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब एक पहली टीम है जो कि प्रोमोट होकर आई है लीग के अंदर। ज्यादा गेम्स, लॉन्गर सीजन, एवरीथिंग सीम्ड लाइक कि ये लीग एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, पर क्या ये सही में सही डायरेक्शन में जा रही है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तुम भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, दैट्स द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट। तो लीग शुरू होने से पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई इस सीजन वो ये था कि एग्जिस्टिंग 11 में से 7 टीमों ने अपने मैनेजर स्विच करे। ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, गोवा, ओडिशा, हैदराबाद, जमशेदपुर, चेन्नई, चाहे रीजन सैक करना हो, म्यूचुअल कंसेंट हो, टेन्योर का खत्म होना हो, डिफरेंट रीजन की वजह से इन सारी टीमों ने अपने मैनेजर चेंज करे। बट ये जिस लाइन के अंदर जा रहे थे ऑफ ब्रिंगिंग इन मैनेजर्स विच वर काइंड ऑफ प्रूवन इन लीग लाइक ISL, इट वॉज ऑब्वियस कि आने वाला सीजन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। और इसी ISL सीजन की शुरुआत में हमें इंडियन सुपर लीग की हिस्ट्री के 2 सबसे महंगे ट्रांसफर्स भी देखने को मिले। जहानीरू थापा ने 3 करोड़ रुपए के लिए मोहन बगान को ज्वाइन करा था, नकाश मिश्रा ज्वाइंड मुंबई सिटी फॉर 2.6 crore, सहल अब्दुल समद, अनवर अली, जेसन कमिंग्स, ऐसे बड़े बड़े ट्रांसफर्स के बाद मोहन बगान सुपर जायंट्स की टीम ISL के अंदर हाईएस्ट वैल्यू टीम हो चुकी थी 60 करोड़ के ऊपर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इंडियन सुपर लीग की हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यू टीम भी है। एंड इसी के साथ इस सीजन के ऑन फील्ड एक्शन की शुरुआत होती है। वेरी फर्स्ट फिक्स्चर, केरला ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु FC, इस लीग की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिक्स्चर, एंड इट किक्ड ऑफ विद अ मास्टर क्लास जहां पर मैं भी प्रेजेंट था, लाइक कम ऑन गाइस, तालियां बजाओ, अगर तुमने वो व्लॉग नहीं देखा जाके देखो, कम ऑन। बट इसके बाद ISL के फर्स्ट 5 to 6 मैच वीक्स वर फुल ऑफ थ्रिलिंग स्टफ भाई, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो एज टीम्स हो, चाहे वो एज लीग हो, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन ऊपर नीचे हर जगह इट वॉज गोइंग एब्सोल्यूटली इनसेन। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जुआन फेरांडो के अंडर हैड द बेस्ट स्टार्ट इन ISL हिस्ट्री, विनिंग देयर फर्स्ट 5 मैचेस, 5 of 5 मैचेस जीत चुके थे वो, 15 of 15 पॉइंट उनकी जेब में थे, इट लुक्ड लाइक एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट फॉर देम अंडर दिस मैनेजर, कि ये तो बस अब परफेक्टली शायद से लीग ही जीत जाएंगे, लेकिन ठीक है, ये बस शुरुआत है दोस्तों। गोवा, मुंबई, मोहन बगान, ये तीनों की तीनों टीमें फर्स्ट 10 मैच वीक्स तक अनबीटन थी। Kerala Blasters were fighting their way to the top. Odisha was involved in a lot of action as well. But most importantly, individual level ke upar hame season ki starting mein jitne promising players ka emergence dikha hai, I don't remember last time ye kab hua tha. Sabse pehla mention jo main yahan pe karna chahunga, that is going to be the star boy. Yeah man, Parthiv Gogoi. Oh my god. Pehle 3 matches lagatar ek ke baad ek scoring goals from outside of the box. He not just became the very first Indian player to do so, he is the Indian player to score the most goals from outside the box in ISL history. Oh, वो सिर्फ 21 साल का है भाई साहब। आई मीन पार्थिव गोगोई विदाउट अ डाउट एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है इज ऑफ दैट लेवल दैट ही कुड गो आउट देयर प्ले इन दोस बिग लीग्स आने वाले कुछ टाइम के अंदर, वंस ही टर्न्स 26-27, आई एम गोइंग टू कीप दैट होप विद हिम, बट ही इज नॉट जस्ट द वन जो कि इस साल इमर्ज करके आया है। थर्ड मैच वीक ऑफ द सीजन, गोवा वर्सेज ओडिशा, 2-2 स्कोर लाइन टाइड है भाई 95th मिनट तक, एवरीथिंग लुक्स लाइक कि ये फिक्चर एक ड्रॉ होने वाला है, बट इसके बाद एक प्लेयर अपने आप को अनाउंस करता है इन द बेस्ट स्टाइल पॉसिबल। जय गुप्ता 96th मिनट के ऊपर स्कोर दिस आउटरेजियस विनर फॉर गोवा, एंड आई थिंक दैट वाज द वेरी पॉइंट जहां पर ही हाइलाइटेड कि ब्रदर आई एम हियर टू स्टे, एंड आने वाले मैचेस के अंदर यू विल सी दैट दिस गाय वाज लीविंग अ मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी मैच। तो पहले 5-6 गेम वीक्स के बाद ISL का टेबल इस तरीके से चल रहा होता है कि टॉप पे बैठी 5-6 टीमों के बीच में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड यू कांट रियली टेल कि इनमें से कौन सी टीम फेवरेट्स है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन सो फार। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर टेबल के एक हाफ के अंदर इतनी प्रॉस्पेरिटी चल रही है,
है तो दूसरे हाफ के अंदर उतनी ही तंगी चल रही होगी। न्यूली प्रोमोटेड पंजाब और फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग हैदराबाद एफसी ने पहले 10 मैच डेज के बाद तक एक भी मैच नहीं जीता था। ऑन द अदर हैंड जमशेदपुर एफसी के भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। फॉलोइंग दिस इस सीजन के काफी सारे थ्रिलिंग मैचेस में से एक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स ओडिशा वर्सेस बेंगलुरु। गेम के पहले 20 मिनट के अंदर सुनील छेत्री और रायन विलियम के गोल्स की वजह से बेंगलुरु एफसी टेक अ 2-0 लीड ओवर ओडिशा, लेकिन देन फॉलोइंग दैट ओडिशा एफसी स्कोर्स 3 गोल्स एंड स्पेशली द विनर भाया मेरा नावाड़ा। आई थिंक कमॉन भाई, एक और बंदा है ना भाई यार, इंडियन ऑन टॉप है ना। बट इसी रिजल्ट के बाद जहाँ पे ओडिशा वॉज गेटिंग इन द टाइटल रेस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वही दूसरी तरफ बेंगलुरु के साइमन ग्रेसन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। लिटरली नेक्स्ट मैच के अंदर जमशेदपुर वर्सेस मोहन बगान, सेम स्कोर लाइन, मोहन बगान डिफीटिंग जमशेदपुर 3-2, गेटिंग अ कमबैक फ्रॉम 1-0 डाउन इन द स्टार्टिंग ऑफ द मैच, बट नॉट नेसेसरली एक एग्जैक्ट कमबैक लाइक तुम कह सकते हो, बट इट वॉज एक इंटरेस्टिंग मैच। चेन्नई ने पंजाब के 5-1 धागे खोले एक मैच के अंदर, एंड मेरे हिसाब से इस एक सर्टेन फिक्स्चर के बाद पंजाब की मेंटेलिटी के अंदर कुछ चेंज आया कि दे स्टार्टेड प्लेइंग विद ए नथिंग टू लूज मेंटालिटी। लाइक ऑब्वियसली एक ऐसी टीम है जो न्यूली प्रमोट होकर आई थी विद आई वुडंट से अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लाइक सब लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि दे आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट इवेंचुअली, बट जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो कराई सीजन, ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स, इट इज माय टीम पंजाब, कम ऑन मैन, आई एंजॉय वाचिंग देयर मैचेस। 11वें मैच डे के अंदर मुंबई वर्सेस मोहन बगान वाले मैच में वी सॉ द मोस्ट आउटरेजियसली रेड कार्डेड मैच ऑफ आईएसएल हिस्ट्री, जहां दोनों टीमों को मिलाकर अ टोटल ऑफ 7 रेड कार्ड दिए गए थे। 7 रेड कार्ड पर 22 प्लेयर फील्ड के ऊपर है, 7 को तुमने रेड कार्ड दे दिए। बिपिन सिंह के गोल की वजह से मुंबई सिटी वेंट ऑन टू विन दैट मैच, बट दैट वाज ऑब्वियसली एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिक्चर, फॉलोइंग विच ऑब्वियसली जिस तरीके से दोनों टीमें इस वक्त सीजन में कंपीट कर रही है, इसका रिटर्न लेग इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। पर फिर इस पॉइंट तक सीजन इतने केओस मोड तक चला जाता है कि हर टीम के साथ जेन्युइनली कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो चाहे वो बुरा हो रहा हो। मोहन बगान सुपर जायंट्स लगातार 7 मैचेस अनबीटन जाने के बाद 3 मैच लगातार हार जाती है। ऑब्वियसली जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इतनी हद की इन्वेस्टमेंट अगर ओनर्स ने अपनी टीम के अंदर करी है तो दे आर बाय नो मींस गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, फॉलोइंग विच दे सैक देयर मैनेजर। जुआन फेरांडो को सैक कर दिया जाता है, दे गेट एंटोनियो हबास। नॉट जस्ट दैट, बेंगलुरु एफसी पार्ट वेज विद साइमन ग्रेसन, द बिंग एंड जेरार्ड ज़ारागोसा। जमशेदपुर एफसी भी ऑब्वियसली वर नॉट हैप्पी विद स्कॉट कूपर, सो दे गेट इन खालिद जमील, द ओनली इंडियन मैनेजर इस वक्त पूरी लीग के अंदर, फेनोमिनल वर्क बाय द गाय। एंड मुंबई सिटी जो कि करंट आईएसएल शील्ड होल्डर थे, अपने विनिंग मैनेजर डेस बकिंगम को बाय बाय कहते, ही हैड हिज ड्रीम जॉब फ्रॉम बैक इन इंग्लैंड एंड ही हैड टू लीव ऑब्वियसली, बट उनकी जगह पीटर क्रैक की हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब दिस सीजन एज वेल। इतने कम्पेटिटिव स्टार्ट के बाद जनवरी के विंडो आने तक देर वॉज फाइनली एक फेवरेट इस पूरे लीग का, इट सीम्ड लाइक गोवा वॉज वेरी कम्फर्टेबली सिटिंग ऑन द टॉप। उनके पास ना ही सिर्फ 2 मैच डेज इन हैंड थे, दे वर अनबीटन अभी तक, एंड सबको ऐसा लग रहा था कि बस अब यहाँ से अगर ये बस फॉल ऑफ ना करे तो ये लीग जीत ही जाएंगे, बस फॉल ऑफ नहीं करना। उनके जस्ट पीछे वॉज ओडिशा एफसी, एंड जब भी हम बात कर रहे हैं ओडिशा एफसी की तो एक प्लेयर की बात करनी तो जरूर बनती है, रॉय कृष्णा मैन। दिस सीजन ही बिकेम द प्लेयर विद द मोस्ट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंडियन सुपर लीग हिस्ट्री। नॉट जस्ट दैट, ही बिकेम द 3rd प्लेयर इन आईएसएल हिस्ट्री जिसने 50 से ज्यादा गोल स्कोर करे इस लीग के अंदर, रॉक बेचे और सुनील छेत्री के बाद। पर विंटर ब्रेक के बाद चीजें इतनी ड्रास्टिकली चेंज हुई कि आई डोंट थिंक ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पंजाब डिफीटेड बेंगलुरु 1-0 एट देयर होम, मोहन बगान ईस्ट बंगाल ने अपनी पहली सीजन की डर्बी के अंदर ड्रॉ करा था, एंड मोहन बगान वाज स्टिल अनडिफीटेड इन आईएसएल इन बंगाल डर्बी। मुंबई सिटी वर्सेस जमशेदपुर एफसी वाज येट अनदर कमबैक स्टोरी, बट दिस टाइम द प्रेजेंस ऑफ खालिद जमील बीइंग एन इंडियन मैनेजर मेड इट इवन मोर स्पेशल। गोवा की फरवरी की शुरुआत भी बढ़िया हुई थी, उन्होंने हैदराबाद को 2-0 हराया, ओडिशा के अगेंस्ट दे ड्रू 1-1, बट देन वंस अगेन जय गुप्ता स्कोर्ड दिस एब्सोल्यूट क्रेजी गोल। आई मीन जय गुप्ता का कुछ है ओडिशा के खिलाफ भाई, आई थिंक कुछ दुश्मनी है या तो या कुछ बचपन का ट्रॉमा है भाई, सिर्फ बैंगर्स मारता है। बट आने वाले 7 मैचेस के अंदर दे एंडेड अप लूजिंग 3 ऑफ देम, ड्रॉइंग 2 एंड विनिंग जस्ट 2 मैचेस अगेंस्ट ईस्ट बंगाल एंड बेंगलुरु। बट फरवरी के महीने में जिस एक प्लेयर ने मेरे ऊपर सबसे बड़ी छाप छोड़ी, दैट वाज गोइंग टू बी जेरेमी मांजोरो। पंजाब वर्सेस जमशेदपुर एफसी ऑलरेडी 2-0 के लीड पे होने के बावजूद जेरेमी स्कोर्स दिस ब्यूटीफुल फ्री किक गोल अगेंस्ट पंजाब, एंड एज अ फुटबॉल फैन जो गोल हमें बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, दैट इज फ्री किक गोल्स। द वेरी नेक्स्ट मैच
ही स्कोर्स अ फ्री किक विनर। ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट 97th मिनट के ऊपर जेरेमी स्कोर्स अनदर फ्री किक। ही बिकेम द सेकंड प्लेयर इन ISL हिस्ट्री टू डू सो। दो मैचेस लगातार फ्री किक गोल स्कोर करना एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वॉच। एक न्यूली प्रमोटेड पंजाब, जिससे सर्टेनली कोई भी इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा था, इज नाउ फाइटिंग फॉर दैट सिक्स्थ स्पॉट एंड डू इट पंजाब, डू इट माई बॉयज। विक्रम प्रताप एक और ऐसा प्लेयर है जिससे काफी सारी हाईलाइट बनाई है इस सीजन, वेदर इट बी स्कोरिंग अ हैट्रिक, स्कोरिंग 7 गोल्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट स्कोरिंग इन जस्ट अबाउट 2 मिनट्स, बींग द फास्टेस्ट गोल स्कोर इन ISL हिस्ट्री। I mean, come on, man. The guy is going places. How is he not starting for Indian national team? But then, फिर इस सारे action के बाद, अब हम जिस point के ऊपर आ जाते हैं league के, जहाँ पर Mumbai City, Mohun Bagan, Goa, and Odisha have qualified for the knockouts. Mohun Bagan still have got a game in hand and could be deemed as the favourites of the season by Shield के लिए definitely. But then, let's not forget कि Mumbai and Mohun Bagan को दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भी एक match खेलना है, which could quite possibly be the season decider. Kerala Blast have almost qualified for the knockouts as well, but then छठी position के लिए पंजाब, बेंगलुरु, जमशेदपुर and then North East United चारों टीमें किस level पे compete कर रही है ये तुम obviously खुद ही देख सकते हो। I mean ISL इस season तो is like averaging more than 2 goals per game, is giving you thrilling title race, knockouts के लिए it is giving you a thrilling race, तो यार मेरे opinion में it just might be worth it. Specially season अब इतने crunch point की तरफ जा रहा है ना, कि अब यहाँ से ये season का कौन सा winner निकलने वाला है Shield का, knockouts के अंदर क्या होने वाला है and specially कौन सी team is going to make it to the knockouts, ये सारे के सारे questions, having underdogs performing, having youngsters, young Indians, players going out their form, scoring absolute crazy goals, bangers, तो यार मेरे लिए तो it is checking off all points, like trust me. तो I mean if you watch ISL, tell me in the comments भाई कि तुम्हारे according इस season सबसे ज़्यादा interesting चीज़ क्या हुई है, कौन सा वो player तुम्हें सबसे ज़्यादा excite कर रहा है, कौन सा fixture सबसे best लगा था तुम्हें, and if you haven't started watching ISL already, tell me कि is this good enough? I think it should be. Like अब से तो season सिर्फ interesting point के ऊपर जा रहा है ना, तो you could watch the crunch part of the season. सबसे ज़्यादा मसाला तो अब यहाँ से आने वाला है दोस्त। तो भाई बस इसी के साथ let us watch कि अब यहाँ से कौन सी टीम जीतने वाली है ISL Shield, knockouts में क्या होने वाला है भाई। I can't wait to be in the stadium once again. Thank you so much for watching guys. See you guys next time. Until then, peace out, stay safe. Chak de fatte like and subscribe.